बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान एक निशान एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर मुझे फिर एक बार आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ये कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की,
जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सुनहर बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना, लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना, सामान्य मानवी हो, बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे।